करनाल के मेरठ रोड पर आईजी कार्यालय के सामने एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। इसमें योगानंद नामक बिहारी युवक की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि एक डंपर चालक ने साइकिल सवार योगानंद यादव को कुचल दिया। हादसे के बाद वह मौके से फरार हो गया, जिसकी सूचना जैसे ही परिजनों को लगी, परिजनों ने मेरठ रोड पर जाम लगा दिया, साथ ही शव को उठाने से मना कर दिया। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। डीएसपी राजीव कुमार ने खुद मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला और परिजनों को समझा बुझाकर जाम को खुलवाया। उसके बाद यातायात सुचारू रूप से चल सका। मृतक के परिजनों ने पुलिस से मांग करते हुए कहा कि दोषियों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए एवं मृतक परिजनों को न्याय दिलाया जाए। डीएसपी राजीव कुमार ने परिवार वालों को सांत्वना दी कि उचित कार्यवाही करते हुए डंपर चालक को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। डीएसपी के समझाने बुझाने के बाद परिजन शव को पोस्टमार्टम रूम भिजवाने को राजी हुए। इस हादसे में मेरठ रोड पर काफी देर तक आवागमन प्रभावित रहा। पूरा मामला एक्सीडेंट का इंसिडेंट सामने आया था। वो जो परिजन है उनकी कुछ एक्सपीरियंस थे, अभी उनको सुना हमने और परिजन को साथ लेके जो आगे का इन्वेस्टिगेशन है कर रहे हैं। जैसे एक्सीडेंट का इशू है उसको जल्द जो भी जिसने किया है उसको पकड़ने के बाद सकते हैं ले जाएंगे जल्द से उसको। काफ़ी टाइम सर रेड लाइट जो बंद पड़ी है उसके बारे में देखिए, ये भी इन्होंने जो ग्रीवेंस आया है इसको हम संबंधित जैसे रहता है हमारा आईटी वाला और जो ट्रैफिक का उसको क्या क्या ठीक कराएंगे। बाकी जो जो मेन इशू है कि जैसे रोड है उसका कंस्ट्रक्शन भी है, ट्रैफिक ड्यूटी भी रहती है हमारी, बट अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट ऐसे एक्सीडेंट के हो जाते हैं और जैसा भी है इसको वही है। ये सारा इन्वेस्टिगेशन का अनुसंधान का विषय है और अभी यहाँ से हम फ्री होके वहीं जाकर सर ये कौन व्यक्ति है कहाँ रहते हैं? देखिए अभी डिटेल मैं आपको प्रेस नोट में दे दी जाएगी। अभी हमारा मेन मकसद जो है जो कौन किस व्हीकल से एक्सीडेंट हुआ है उसको ट्रेस आउट करना है, उसी में हमारा आगे की कार्रवाई। तो डंपर बोके से फरार है चालक वो आप ये देख सकते हैं कि किस तरीके से आप ये देख सकते हैं कि डीएसपी राजीव कुमार मौके पर पहुंचे। यहाँ पर मेरठ रोड पर आईजी निवास के सामने एक व्यक्ति की साइकिल से टकराने पर मौत हो गई है। कुछ देर तक उनके परिजनों व अन्य द्वारा यहां पर जाम लगा दिया गया था, परंतु डीएसपी राजीव कुमार ने मौके पर आकर जाम को खुलवा दिया है। जो परिवार के लोग थे उनके द्वारा जाम डीएसपी राजीव कुमार मौके पर मौजूद हैं और स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.